इस बात से कोई लेना देना नहीं है मुझे इस टाइम पर वीडियो बनाते हुए कि आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, क्योंकि सीटेट के स्टूडेंट्स तक मैं इस साल नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन ये मेरी वीडियो मैं चाहता हूं कि सीटेट के हर स्टूडेंट तक पहुंचे, उन्हें पता लगे कि आखिरकार सीटेट के अंदर 2021 के वो एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो होगा या नहीं। क्या पता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो ही ना। तो इस पूरी वीडियो को देखना। सीटेट जनवरी में जो होने वाला है उसको लेकर बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, और उन भ्रम को पैदा करते हैं खुद स्टूडेंट और टीचर्स जो आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हैं या जो आपको कोर्सेज बेचना चाहते हैं। 2021 के अंदर जनवरी में जो सीटेट होने जा रहा है वो जुलाई वाला होने जा रहा है, यानी कि 2020 में जुलाई में एग्जाम होना था, वो जुलाई में तो हुआ नहीं, इतनी आगे खिंच गया वो एग्जाम कि दिसंबर में भी ना होकर वो जनवरी में होने जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सीटेट ये बन जाता है आज तक की हिस्ट्री का। आज तक सीटेट के अंदर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प की है एग्जाम को उड़ाने के लिए। कई स्टूडेंट्स ने पहली बारी में ही एग्जाम क्लियर किया है, और कई ऐसे स्टूडेंट थे जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे लेकिन उनसे सीटेट नहीं हो रहा था, ऐसे स्टूडेंट्स ने भी सीटेट क्लियर किया है बैक टू स्कूल की मदद से। आज की ये वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच गई है और आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको कुछ सच्ची बातें सीटेट के बारे में पता लगेंगी जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको सीटेट 2021 के बारे में बताना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं रिपीटेड क्वेश्चंस। 31 जनवरी को जो आप सीटेट का एग्जाम देखेंगे, मोर देन 50% क्वेश्चंस, यहां पर लिख लीजिए मोर देन 50% आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो रिपीटेड देखने को मिलेंगे। सीटेट के पास 20-25 सीबीएसई वालों के पास 20-25 सेट हैं, उनके अंदर से ही एक साल एक सेट को दे देते हैं, अगले साल दूसरे सेट को, उससे अगले साल तीसरे सेट को। तो आपके लिए कोई एक तकड़ा सा अलग से पेपर डिजाइन करने के लिए कोई कमेटी बैठेगी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको सिर्फ डराया जाता है, आपकी अज्ञानता का सिर्फ शोषण किया जाता है यूट्यूब पर शिक्षकों के द्वारा, ताकि आप उनकी बेकार की वीडियोज को देखें, वरना ऐसा कुछ भी नहीं आता सीटेट के एग्जाम में जिसके लिए आपको हार्डकोर स्टडी करनी पड़े। तो याद रखना 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको रिपीटेड ही देखने को मिलेंगे। सीडीपी की बात कर लो, वही घिसा पिटा पैटर्न है। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश की बात करो, आसान सी पैसेज और वही घिसा पिटा आपका पैटर्न, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस की रकम चेंज होगी, उसके अलावा कोई भी नई तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिपीटेड क्वेश्चन ही होंगे घिसे पिटे पैटर्न के ऊपर। उसके बाद इजी टू मॉडरेट। अब वे जो क्वेश्चंस आएंगे जो हमेशा से ही आए हैं ऐसे ही क्वेश्चन, उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, इस वीडियो को स्किप मत करना। आप ऐसी ऐसी वीडियोज को लाखों व्यूज देते हो सीटेट वाले, किस तरीके की वीडियोज को, इज शी लुकिंग कूल, देखिए मैडम ने शादी के बारे में क्या कहा, दीज आर बुलशिट। आपकी अज्ञानता का शोषण किया जा रहा है और आप लोग मूर्खों की बातें सीटेट की तैयारी करते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों की आंख कान खोलने वाला है, ज्यादातर उन स्टूडेंट्स का जिनके पास मैं पहली बार पहुंच रहा हूं। दोस्त रिपीटेड आएंगे आपकी सारी चीजें, पहला पॉइंट जो मैंने बताया और लास्ट के जो पॉइंट्स बता रहा हूं, मिस नहीं करना वीडियो को। अगला पॉइंट जो मैं ये बता रहा हूं आपको कि इजी टू मॉडरेट होगा, आपकी जो ईवीएस होगी उसका पेडागोजी सेक्शन और आपका मैथ्स, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे, यानी कि मुश्किल से थोड़े से ऊपर, नहीं आसान से थोड़े से ऊपर, मॉडरेट, ना इतने मुश्किल ना इतने आसान, जो बीच के होते हैं वो आपको ईवीएस और मैथ देखने को मिलेगा। उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और सीडीपी आपके कंप्लीट इजी मिलेंगे। तो पांच सब्जेक्ट्स में से तीन सब्जेक्ट बिल्कुल इजी आ जाएं और दो सब्जेक्ट बीच बीच के आ जाएं उसमें से कुछ क्वेश्चन, तो पूरे पेपर को आप कैसा मानोगे, आप उस पूरे पेपर को मानोगे इजी टू मॉडरेट। तो ये जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा ये इजी टू मॉडरेट होगा, मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी। तो दूसरी बात ये समझ लीजिए आप। तीसरी बात, ओनली टाइम मैनेजमेंट इज द की।
सीटेट में जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, आपने देखा कि सीटेट के अंदर 90% के करीब स्टूडेंट फेल होते हैं, उसका रीजन क्या है? उसके दो रीजन है। पहला रीजन है कि कई स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, बिना पढ़े एग्जाम में जाते हैं। दूसरा रीजन क्या है, जिन लोगों के पास वे पढ़ते हैं और जिस तरीके से वे पढ़ते हैं वो घटिया क्वालिटी के हैं। और तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन ये है कि उन्हें सिर्फ पढ़ाया जाता है, उन्हें टिप्स नहीं दिए जाते कि कैसे एग्जाम को क्लियर करना है। एग्जाम के अंदर दो कारण से एग्जाम फेल होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि टाइम अप हो जाता है आपका, और टाइम अप होने के दो कारण होते हैं। पहला, जो आपको टफ चीज लगती है उसमें आप ज्यादा टाइम लगाते हो, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगा उसमें आधा घंटा आप वेस्ट कर देते हो, कैसे एग्जाम को क्लियर करोगे? इजी आपका सीटेट आएगा, लेकिन करने वाला भी तो उसको कोई होना चाहिए ना। तो आप टफ से ज्यादा टफ जो सेक्शन होता है, मान लो कोई बच्चा मैथ के अंदर दिक्कतें मानता है, उसे मैथ टफ लगता है, तो आधा घंटा मैथ में खा जाओगे, बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप टाइम कब निकालोगे? तो टफ टॉपिक के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, और जो चीज आपको इजी लगती है उसको जल्दी करना है। ये चीज भी नहीं करते, मैंने स्टूडेंट देखे हैं कि जो चीज उन्हें टफ लगती है उसमें ज्यादा टाइम तो लगा दिया, लेकिन जो चीज उन्हें इजी लगती है उनके अंदर वो जल्दी नहीं करते। उन्हें लगता है कि पूरी जिंदगी यहां पर इस कुर्सी के ऊपर ही हमें बैठे रहना है और यहीं से हमें सीटेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अपना टाइम बचाकर चलना है भाई। सबसे ज्यादा स्टूडेंट सीटेट में फेल होते हैं कि टाइम उनका अप हो गया, 150 मिनट हो गई, 150 क्वेश्चन नहीं हुए, उसका रीजन यही होता है। और दोस्त, एक टाइम पर बैठकर एक जगह पर 150 क्वेश्चन आप जरूर निकाल लेना, क्योंकि 150 क्वेश्चन एक टाइम पर बैठकर स्टूडेंट से निकलते नहीं है, और फिर बाद में वो वेट करते हैं कि नेक्स्ट सीटेट आएगा तो हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो 2021 का जो सीटेट होगा दोस्त, उसके अंदर ओनली टाइम मैनेजमेंट आपकी की होगी, आप सिर्फ 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस को करने का तरीका निकाले। एक वीडियो बना के दूंगा किन किन बातों का ध्यान रखो, एक घंटे में पेपर करके हट जाओगे। उसके बाद पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स, देखिए एक चीज आपने देखी कि जो पेडागोजी होती है सब्जेक्ट की, वो तीन सब्जेक्ट के अंदर तो 15-15 नंबर की आती है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ और ईवीएस, चार सब्जेक्ट के अंदर ये पेडागोजी आती है 15 चौके 60। तो आप मुझे बताओ कि 150 नंबर का सीटेट का एग्जाम है और उस 150 नंबर में से 60 नंबर कितने हो जाते हैं? बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इतने की सिर्फ सब्जेक्ट की पेडागोजी आ रही है। तो आपको ध्यान नहीं देना चाहिए सब्जेक्ट पेडागोजी पर, और ये सब्जेक्ट पेडागोजी भी इतने हाई लेवल की नहीं आती, टुंजू मुंजू क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, डी ट्रिपल एस बी के लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके सामने। पेडागोजी बिल्कुल जो कहते हैं ना ग्राउंड लेवल की, वो आपसे पूछी जाएगी, कुछ मुश्किल नहीं होगा उसमें। स्टडी डेली अकॉर्डिंग टू यू, अब देखिए ये आपके ऊपर है कि आप निशाचर है या मुर्गा प्रवृत्ति के आदमी है। अगर आप निशाचर हैं तो रात को टाइम निकालकर पढ़े, अगर आप मुर्गा प्रवृत्ति के हैं तो सुबह जल्दी उठकर आप पढ़े, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको नहीं बता सकता कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पढ़ने के लिए और कैसे पढ़ना चाहिए, एवरीबडी इज यूनिक, तो सबको खुद देखना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके सामने आकर सब कुछ आपको बता दे, आपके हिसाब से नहीं हो सकता, आप बहुत अलग है मुझसे भी, दूसरे आदमियों से भी, तो आपके लिए बेस्ट क्या है वो आप ही चूज कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूं इन वीडियोज की मदद से। तो सीटेट का एग्जाम दोस्त बिल्कुल कुछ नहीं है, सीटेट का एग्जाम जो नए स्टूडेंट आते हैं सिर्फ उनको डराता है। जो स्टूडेंट बार बार फेल होते हैं उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे कारण यह नहीं होता कि सीटेट का एग्जाम टफ था, उसके पीछे कारण यह था कि उन्होंने ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं की, अच्छे ढंग से पढ़ाई न करने के साथ साथ अच्छा मेंटोर नहीं था उसका। आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, वैसे भेड़ चाल में चलना चाहो चल सकते हो, सीटेट से आगे जिंदगी में कहीं नहीं जाओगे, इसकी गारंटी मैं लिख के देता हूं आपको। भेड़ चाल में चलने से आप जिसके पीछे चलते हो वो तो कहीं पर पहुंच सकता है, लेकिन उसके पीछे चलने वाले लाखों भेड़ कहीं पर नहीं पहुंच सकते। सीटेट से आगे कुछ पास नहीं कर पाओगे, और सीटेट से ज्यादा पढ़ाने की उनकी औकात भी नहीं है जहां पर सीटेट वाले स्टूडेंट ज्यादातर पढ़ते हैं। तो एक बात मैं क्लियर आपको कहना चाहता हूं, भेड़ चाल में से निकले, रियलिटी में
जो आपको अच्छी चीजें देता है उसके पास पढ़े, और इस वीडियो को सीटेट के सभी दोस्तों तक पहुंचा दें, क्योंकि दोस्तों के दिमाग को अब रिफाइन किया जाएगा कि सीटेट पता नहीं ये है, सीटेट पता नहीं वो है, तीन तीन चार चार घंटे की क्लास लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अपनी सेल्फ स्टडी से ही सीटेट निकलेगा। बस यूट्यूब को अपने डाउट क्लियर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ेगा सीटेट, क्या कोई भी टीचिंग एग्जाम उसको रोक नहीं सकता। बाकी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रह के मैडम मैडम कहकर चरणों में गिरने वाले स्टूडेंट्स का ना तो कभी भला हुआ है और ना कभी होगा।